देखिए ऐसा है यम का द्वार। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य पुत्र यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता माने जाते हैं। जिस तरह कुबेर की नगरी को अलकापुरी, इंद्र की नगरी को अमरावती, गंधर्वों की नगरी को गंधर्वपुरी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह यमराज की नगरी को यमपुरी और राजमहल को कालित्री कहते हैं। यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। यमलोक में आने के बाद आत्मा को 4 प्रमुख द्वारों में से किसी एक में कर्मों के अनुसार प्रवेश मिलता है। दक्षिण द्वार को नरक का द्वार और पूर्व के द्वार को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। बाकी बचे 2 द्वार सामान्य कर्मों पर निर्धारित आत्माओं के प्रवेश के लिए हैं। लेकिन हम यहाँ एक ऐसे यमद्वार की चर्चा कर रहे हैं जो तिब्बत में स्थित है। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टक कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत इस वक्त चीन के अधीन है। तिब्बत में दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर है यह यम का द्वार। यह द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। इसकी परिक्रमा करने के बाद ही कैलाश यात्रा शुरू होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। तिब्बती लोग इसे चारटेन कांग नन्नी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही यह मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेरों शोध हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कहते हैं कि द्वार के इस ओर संसार है तो उस ओर मोक्ष धाम। बौद्ध लामा लोग यहाँ आकर प्राणांत होने को मोक्ष प्राप्ति मानते हैं। इसलिए बीमार लामा अंतिम इच्छा के रूप में जाते हैं और प्राण त्याग देते हैं।